मैं पहला रैपिडो टू व्हीलर टैक्सी चलाती सी ते करोना करके मैनू कल्ली नूं ही नहीं सारिआं नूं बहुत ज़्यादा फर्क पिया, कामकाज सारिआं दे ही खत्म हो चुके सी ते जिहदे कारण मैनू काम की भी जरूरत सी क्योंकि बंदा भुखा नहीं रह सकता, छोटे बच्चे भी ने उन्हां नूं भी पालना है ते इसलिए सोचिआ भी काम करिए कोई। मैं पहला दुआबा चौंक रेहड़ी शुरू की सी ते कारपोरेशन ने फिर न्यूज़ देखने तो बाद मैनू इंडो कनेडियन के कोल बस स्टैंड जलंधर दे विच ये जगह मैनू दे दित्ती है। फ्री रिश्तेदार तो किहो जिहा साथ रहा इस दे विच? प्लीज़ ये थोड़ा परसनल है। जलंधर दे विच हुण रैपिडो तो पहला मैं ट्यूशनस भी दित्तियां ने, वो बच्चों की फीस ना आन करके मैं ट्यूशनस बंद कर दित्तियां सी क्योंकि जे घर नूं चलाउण वास्ते काम कर रही हाँ जे मैनू उही नहीं हो रहा तो फिर मैं की करना है। हस्बैंड का एक्सीडेंट भी हो गया सी? हाँ जी सर, वो स्विगी की मतलब डिलीवरी दे के वापस आ रहे थे रात को कोई 10:30 का टाइम से, सर्दियों के दिन से, तो उन्होंने एक्सीडेंट मोढ़ा टुट गया सी। काम बहुत ज़्यादा घट चुका है क्योंकि इंडो कनेडियन के कोल मेरा जिहड़ा ढाबा हैगा है तो उसकी सवारी के नाल ही काम से, हुण जिवें बाहर दी फ्लाइटां बंद हो चुकी हैं तो इधर सवारी घट गया तो मेरे काम में नैचुरली फर्क पिया। पहला जी अपना चंडीगढ़ सुरसंग स्टूडियो रिकॉर्डिस्ट से, मैं रिकॉर्डिंग इंजीनियर से, रिकॉर्डिंग करते काफ़ी कलाकार रिकॉर्ड किए ने जो पुराने टाइम से, अपने सरदूल सिकंदर जी होनी हो गए तो प्रीतरपाल, करमजीत अनमोल, भगवंत मान, सनकाटा वाले अपने जसविंदर भल्ला जी, सारे उत्थे बब्बू मान जी, हरभजन जी तो इन्हें सारे ने क्योंकि उस टाइम जो स्ट्रगल टाइम ही ज़्यादातर जो आटो लिया तो उस चीज़ की कई चीज़ा कई ने कहा भी नहीं चंगा नहीं लगता, मैं नहीं लगता ना, मैंने रोटी मिलती है मेरे लिए यही पूजन है, यही मेरा स्टार है, सारा कुछ यही है। पटना साहब गया मैं उत्थे परना बन के रखना क्योंकि उत्थे आपां नंगे सिर तो रह नहीं सकते, फिर उस बाद मैं ऐ लगन लग गया नहीं यार अपन बन के रखनी चाहिए पग, वो खुश होए, मैं इन्हें खुशी मिलती है एक तो पग देख के मेरे, देखो महाराज की इन्नी कृपा है भी ये करके सानू इन्ना इज्जत मिल रही है। फिर मैं क्या भी बननी, मैं यूट्यूब तो हौली हौली जिदा भी सीखी थोड़ी थोड़ी ला के हजे मतलब कंप्लीट तो नहीं होया पर मैं बनन लग गया। पत्नी सी एक राइटर सी, वो मेरे बारे एक स्टोरी लिखना चाहते सी जिदा टाइटल सी ओ कुड़ी, तो मैनू पूछण आए सी कि तुसी अपने बारे कुछ दसो मैनू कि मैं तुहाडे ते एक स्टोरी लिखना चाहुंदा आ। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं जो औरत अज ना कर सके, घर के कामों के नाल नाल परिवार के पालन पोषण के लिए अपने पति के मोढ़े के नाल मोटा ला के औरत जिहड़ी है हरेक काम करती है। पंजाबी बुलेटिन की टीम अज जलंधर बस स्टैंड लागे पहुँची है जिथे इंडो कनेडियन बसा खड़दिया ने, उस परिवार नाल मिलावांगे जिन्होंने जलंधर के ढाबा खोलिया है। ढाबे का नाम है कांता चौहान परांठा ढाबा, तुसी देख सकते हो तस्वीर ढाबे दियाँ, की कारण है ढाबा खोलन की की लोड़ पई, बहुत सारिया जड़िया नौकरियां कीतियां उन्हां वल्लों जड़ा है, एक रेहड़ी भी चलाई गई परिवार वल्लों, ऑटो भी चलाया गया, होर भी बहुत सारे काम किए गए, गलबात करांगे परिवार दे नाल। गलबात करांगे दुकान दे मालकन कांता चौहान दे नाल, किहो जी स्ट्रगल उन्होंने देखी, की कारण सी ढाबा खोलन दा? मैं पहला तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। तुहाडा भी जी बहुत बहुत धन्यवाद इत्थे आउण दा ते मेरे वल्लों सारिआं नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। मैम ये दसो ढाबा खोलन दी की लोड़ की पई? सर मैं पहला रैपिडो टू व्हीलर टैक्सी चलाउंदी सी ते करोना करके मैनूं कल्ली नूं ही नहीं सारिआं नूं बहुत ज़्यादा फर्क पिया, कामकाज सारिआं दे ही खत्म हो चुके सी ते जिहदे कारण मैनूं काम की भी जरूरत सी क्योंकि बंदा भुखा नहीं रह सकता, छोटे बच्चे भी ने उन्हां नूं भी पालना है ते इसलिए सोचिआ भी काम करिए कोई, इसलिए फिर मैं ढाबा खोलण दी सोची। किहड़े साल दे विच ढाबा खोलिआ? सर पिछले साल लास्ट जदों लगभग कोई जुलाई अगस्त दे विच मैं पहला दुआबा चौंक रेहड़ी शुरू कीती सी ते कारपोरेशन ने फिर न्यूज़ देखने तो बाद मैनूं इंडो कनेडियन दे कोल बस स्टैंड जलंधर दे विच ये जगह मैनूं दे दित्ती है फ्री च। ते जिहड़ा उत्थे तुसीं रेहड़ी भी खोली सी उस दे लई तुहानूं किसे ने गाइड किया कि अपने मन दे विच सीगा? सर काम तो करना ही सी क्योंकि खाण पीण दा एक इहो जिहा काम है कि काम होवे ना होवे बंदे नूं रोटी चाहीदी हुंदी है ते इसलिए यही ध्यान विच आया भी मैं खाण पीण दा ही कोई काम करा। रैपिडो दा काम क्यों छड्डिया? करोना करके करफ्यू लग गया सी जिस करके कि वह काम बंद हो चुका सी।
किसी तरह की दिक्कत भी आदि क्योंकि एक औरत का रैपिडो चलाना दिक्कत सर बहुत आई हैं स्टार्टिंग दे विच, मतलब जिमें होंगे लोगों को होंगे भी अच्छा कुड़ी होकर तू एक ड्राइविंग कर रही है वह भी प्रोफेसनल तो आदियां ने पर मैं कभी पिछे मुड़ के नहीं देखा क्योंकि लोगों का काम होंगे लत खिंचनी है किसी को अगे नहीं वधन देना अपने जिहड़े लोग होंगे ने उन्होंने यही होंगे कि जिहड़े साढ़े बच्चे ने उही अगे वधन तो कोई दूसरा ना अगे वधे इस करके मैं किसी की कोई परवाह नहीं की मैं अपने काम से फोकस किया बहुत तरह की कमेंटिंग भी होंगे रिश्तेदार का किहो जिहा साथ रहा इस दे विच प्लीज़ ये थोड़ा परसनल है मैनू मेरी फैमिली की सपोर्ट सी बाकी मैं किसी की कोई परवाह नहीं तुहाडे हसबेंड का किहो जिहा साथ दे रहे तुहाडी लाइफ दे विच सर हसबेंड की मैनू पूरी सपोर्ट है उन्होंने नहीं कभी मना किया कि तू आह काम कर या आह काम तू ना कर उन्होंने सपोर्ट के नाल ही अज मैं अपने पैरों पर खड़ी हाँ तो इस काम के ज्यों कि करोना की स्टार्टिंग देखा जाए तो काफ़ी देर लॉकडाउन भी लगा रहा उस वेले बिल्कुल मुकम्मल बंद कर दिता गया तो उस टाइम गुजारा किमें चलता है गुजारा तो सर औखा ही होया पर महाराज ने भुखे नहीं सौन दिता वह कहें भी रब न पत्थर के कीड़े की भी चिंता होंगी असी तो फिर इंसान हाँ तो कभी भुखे नहीं सुते कोल सी कुछ या नहीं सी तो तुसी जलंधर तो हो बैकग्राउंड कितों का बैकग्राउंड मेरी भाखड़ा नंगल उत्थे मेरा बर्थ होया छोटी जी सी मेरे फादर साहब की डैथ हो चुकी सी तो सिंगल मदर ने सानू पालिया सी तीन भैणा तो एक ब्रदर मैं मेरे पेके फैमिली सब तो छोटी हाँ तो नाम का ही पेका रह गया जी हुण मेरा तो कल्ले ही हाँ बस आफ्टर मैरिज जॉब की पहला भी जॉब करते रहे कोई तुसी? सर बिफोर मैरिज भी जॉब की चंडीगढ़ के आफ्टर मैरिज भी मैं जॉब की ने पहला की जॉब करते सर मैं हैल्थ बायोटैक बद्दी के एज ए रिसेप्शनिस्ट रही हाँ वाटर प्यूरीफिकेशन का मैं डेढ़ पौने दो साल के करीब लगा लो काम किया मार्केटिंग का काम से डोर टू डोर तो फिर मैं आफ्टर मैरिज जलंधर के हूँ रैपिडो तो पहला मैं ट्यूशनस भी दित्तिया ने वह बच्चों की फीस ना आन करके मैं ट्यूशनस बंद कर दित्तिया सी क्योंकि जे पैसे नहीं आ रहे मैं घर का मतलब एक घर न चला वास्ते काम कर रही हूँ जे मैनू उही नहीं हो रहा तो फिर मैं की करना है तो इस करके मैं वह बंद कर दिते तुहाडे हसबेंड का एक्सीडेंट भी हो गया हाँ जी सर वो स्विगी की मतलब डिलीवरी दे के वापस आ रहे थे रात को कोई 10:30 का टाइम से सर्दियों के दिन से तो उन्होंने एक्सीडेंट च मोढ़ा टुट गया सी ते जिस कारण एक कारण यह भी रहा मेरे फील्ड में आने का कि घर की जिम्मेवारी सारी मेरे उत्ते सी उस तो बाद जिहड़ा है तुहाडे हसबेंड ने कहा नहीं कि तू रहन दे काम करना नहीं सर हुण असीं दोवें जी रल के काम करते हैं कहिंदे एक तो एक दो नहीं 11 हुंदे ने तो असीं उही आ इतने का किसी तरह का टैक्स भी देंगे नहीं सर ए सुपरिटेंडेंट मनदीप सिंह सर वालों मैं जगह फ्री मिली है उस करके तुम इतने जोड़ा है कि लोगों की जी फेवरेट चीज़ है जी इतने खाण आते ही सर ज़्यादातर इतने परौंठे खाने ही आते हैं क्योंकि एक तो नाम ही परौंठा जंक्शन है तो परौंठे ही ज़्यादातर चलते हैं वैसे मेरे को ब्रेकफास्ट भी होंगे लंच भी होंगे कई वेले तो शाम तक जोड़े भी परसन आते उन्होंने परौंठा ही खाना होंगे हूँ तो शामी 5 बजे तो बाद जिम्मे लॉकडाउन लग जाता है हूँ शामी दिक्कत नहीं आती किसी तरह सर दिक्कत आती है काम बहुत ज़्यादा घट चुका है क्योंकि इंडो कनेडियन दे कोल मेरा जिहड़ा ढाबा हैगा यह तो उहदी सवारी दे नाल ही काम सी हूँ जिम्मे बाहर दी फ्लाइटां बंद हो चुकी हैं तो इधर सवारी घट गया तो मेरे काम नूं नैचुरली फर्क पिया मैम किसी तरह के अवार्ड भी तुहानूं मिले है सर ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स वालों मैं सन्मानित हाँ उन्होंने 2 बारी मैनूं मतलब ब्रेवी अवार्ड दिता है तो उस तो इलावा मैं काफ़ी कॉलेज में स्कूलों के एज ए गैसट ऑफ ऑनर गई हाँ जिन्होंने खालसा कॉलेज लैलपुर खालसा कॉलेज HMV कॉलेज KMV कॉलेज तो अपना एक जलंधर पब्लिक स्कूल है काफ़ी मतलब उत्थे कह लो कि गरीब बच्चे बहुत ज़्यादा ने संस्था के थ्रू चलता है तो उत्थे मैं एज ए गैसट ऑफ ऑनर गई हुई हाँ मैम संस्था का नाम लिया सरकार वालों या किसी NGO वालों तुहाडी हेल्प की गई होवे सर सरकार वालों मैनू कोई हेल्प नहीं मिली स्टार्टिंग दे विच जदों दुआबा चौंक मैं रेहड़ी शुरू की सी तो पहला तो उत्थे भी कोई मैनू हेल्प नहीं मिली फिर दिव्य दृष्टि NGO वालों कोशिश NGO वालों मैनू हेल्प मिली है तो दीपक बाली जी वालों मैनू रेहड़ी लैके दी गई सी बिल्कुल हुण इन्हां दे जिहड़े हसबेंड ने उन्हां नाल भी गलबात करदे आ सर लाइफ दे विच तुसी भी काफ़ी कहिंदे स्ट्रगल कीती है पहला की काम करदे सी पहला जी अपना चंडीगढ़ सुरसंग स्टूडियो दे विच सी रिकॉर्डिस्ट सी मैं रिकॉर्डिंग इंजीनियर सीगा ते रिकॉर्डिंग करदे सी काफ़ी कलाकार रिकॉर्ड किए ने जिहड़े पुराने टाइम दे अपने सरदूर सिकंदर जी होने हुए ते प्रीतरपाल करमजीत अनमोल भगवंत मान सिंह काटा वाले अपने जसविंदर भला जी होर काफ़ी सके दविंदर कोई नूर होनी जिदा हुए ने धर्मप्रीत होनी काफ़ी रिकॉर्डिंगा कीतियां ने
उस तो बाद बस फिर चलते चलते इतने तक आ गए। अच्छा, तो अरेंज मैरिज हुई कि लव मैरिज हुई? अरेंज लव एक ही गल है, सेम ही है, बस मैं लव मैरिज ही ला लो तो वो भी बस इदा ही इतफाक बन गया। मिले कितने से? स्टूडियो च ही आए थे भी उदो अपने कोई स्ट्रगल टाइम तो इन्होंने कोर्स लिए कोई आए थे भी करना रिकॉर्डिंग वगैरह, तो इनू गाउन का भी शौक हैगा थोड़ा बहुत। उस तो बाद फिर इन्हें अपनी कोई प्रॉब्लम्स दसियां सी जिदा भी कुछ सी, मैं क्या भी चल कोई नहीं, फादर नहीं सके, फादर बारे पूछा तो उदो फिर मैं क्या चल कोई गल नहीं भी मैं तेरे नाल खड़दा, क्योंकि हसबेंड फिर जो थोड़ी मैरिज हो जाती तो हसबेंड हर चीज़ का ताडा हकदार हो जाता, ताडा देखदा देख रेखदा भी अपना एक दूजे नाल चलण का। तो मैं कोई गल नहीं, तेरी जी कोई घाट रह गई है फादर वाली भी वो भी आप पूरी करांगे नाल, तो कोई चक्कर नहीं, तेन ऐ नहीं लगना चाहिए भी तू कल हूँ इस टाइम। तो उस तो बाद मैं जिम्मेवारी नाल फिर मैं वादा किया अपनी जबान ते खड़े अज तक। तुसी एज ए सीनियर रिकॉर्डिस्ट सी, वो लाइन क्यों छड़नी पई, किसी तरह का कि धोखा मिलया या कोई होर कारण सी? नहीं, वो लाइन छड़न दा फिर मैनू ना कई वजह ते हुण कई चीज़ां हो जांदियां ने, मेरा मन इस गलों भर गया क्योंकि बस एक सिंगर जो आते हैं स्टार उदो सिंगर स्टार नहीं होंगे, उस टाइम तुहाडे नाल काम दोस्त की तरह रहिंदे ने, कई अपने इदां दे रिलेशन सीगे जिसते खरे मैं अपने वालों तो पूरा 100% दिता, तो वो फिर इदा लगन लग गया भी जिदा नहीं इस लाइन में मैं छड़ना ही पैना, मेरा नहीं बनता। तो मैं फिर उस तो बाद जो असी मैरिज कराई आ तो सानू थोड़ा वैसे फाइनैशियली भी जरूरत पैंती सी, फिर मैं अपना कोई काम करांगे क्योंकि उत्थे तो अपना एक रिश्तेदारी दे विच सीगा रिलेशन ते, तो वो चीज़ तो मैं फिर बनी नहीं गल अपना घर बार चलाउण लई, फिर मैं उत्थों निकलिया अपना काम शुरू करना किता कुछ इहदी जॉब कीती, तो इदा करते करते फिर साडा घर बार चलिया तो रिकॉर्डिंग वाला काम फिर छड़ता। तो सीनियर रिकॉर्डिस्ट दे तौर ते तुसीं बंदे भी तैयार किए काफ़ी उत्थे? हाँ जी, काफ़ी किए ने साढ़े नाल जिहड़े मतलब जिहड़े बाद विच आए सी, क्योंकि जो स्टूडियो जिहड़ा सुरसंगम है उस टाइम पंजाब दे विच सब तो बेस्ट और वड्डा सीगा, एक तरह पहला स्टूडियो सी जिहदे विच मतलब 8 रिकॉर्डिस्ट घट्टो घट्ट काम करन लई लगे सीगे, क्योंकि जिन्हें भी नवे नवे आए सीगे उन्हां नूं पता नहीं सी उस टाइम ते, क्योंकि सारी नवी टैक्नोलॉजी का समान लग्या सीगा। फिर मैं उत्थे जिदा नाल नाल असिस्टेंट दे तौर ते सिख गया सीगा, साढ़े नाल रवि मैसी जी बॉम्बे तो लियांदे सी जिहड़े, उन्हां ने काफ़ी हैल्प की। फिर उस तो बाद जिहड़े साढ़े नाल उत्थे होर मुंडे आए ने कई, हुण अतुल शर्मा जी स्टूडियो उत्थे रिकॉर्डिंग करदे ने, रजिंदर पवार आ वो उत्थे अपने स्टूडियो रवाब स्टूडियो काम कर रहे हैं इस टाइम, तो अपने नाल होर 2-3 मुंडे से काफ़ी जिहड़े अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो उत्थे सीख के गए हुए हैं अपने सुरसंगम स्टूडियो के विचों ही गए हैं सारे जने आल ओवर। बब्बू मान हरभजन मान वगैरह भी उत्थे रिकॉर्डिंग करना दे? हाँ जी, सारे उत्थे बब्बू मान जी हरभजन जी तो इन्हें सारे ने, क्योंकि उस टाइम जो स्ट्रगल टाइम ही सीगा ज़्यादातर, बब्बू मान जी का उस टाइम मतलब उन्होंने कोई एल्बम आई भी नहीं सी जो मैं काम कर रहा, घट्टो घट्ट 98 की गल है 97-98 के, तो उस तो बाद ही उन्होंने एल्बम आई, उस टाइम वो बेचारे वो भी स्ट्रगल के सके, तो उदा आते जाते सके, रिकॉर्डिंग उन्होंने एच एल स्टूडियो के मोहाली भी हुई सी, तो कुछ उन्होंने पहला रिकॉर्डिंग की हुई सी, तो सुरिंदर बचन जी सुरिंदर रिहाल जी जिहड़े हुंदे सीगे अपने डायरैक्टर रहे ने, सुरिंदर बचन जी म्यूजिक डायरैक्टर रहे ने, अतुल शर्मा जी मदन शौंकी जी ये सारे उत्थे सीगे, तो इन्हां दे नाल आपां काम करदे हुंदे सी उस टाइम ते, तो सारे नूं मिलिया। तो एक तुसीं दस रहे सीगे कि कोई समोसे बेचदा सी उस नूं भी तैयार किया तुसीं? हाँ जी, वो साढ़े थले स्टूडियो दे ना उस बनाउंदे हुंदे सी समोसे वगैरह, तो वह छोटे सी उदों उम्र उन्हां दी होणी मेरे हिसाब नाल 10-12 साल दी, तो मेरे नाल उन्हां दा वैसे ही प्यार पै गया क्योंकि मैं जाना मेरा एक सुभाव आ, मैं ना जिहड़ा स्ट्रगल जां किसे उस चीज़ दा मैं उहदे नाल नूं अपना बन जाना, उहदे नाल कुदरती गल आ, तो मैनूं ऐ लगा यार ये प्रॉब्लम चा, मैं उन्होंने कहा यार तू ना पढ़ाई करया कर, तू समोसे वगैरह सारे उपर दे जाया कर, उन्होंने वैसे ही मेरा रिलेशन बन गया, मम्मी वो बेचारे थले काम करते, फादर वे भी है नहीं सके, तो एक ब्रदर से वह सिस्टर से, फिर मैं उन्होंने एक फैमिली रिलेशन ही बना लिया बेचारे, तो उस तो बाद फिर वो साडा ऐसा चंगा लगा, वो मेरे को आया अतुल शर्मा जी ने मिलाया होर सुरिंदर बच्चन जी, उन्होंने किताबा कतुबा भी लैके दिखाई भी स्टडी कराया करो, पर एक जो उन्होंने शौक पै गया रिकॉर्डिंग वाल या होर कुछ भी वो करते करते अज की अतुल जी के रिकॉर्डिस्ट है। अच्छा, परिवारिक रिलेशन की तुम गल की, सिंगर ने बहुत सारे जिमें या एक्टर भी ने करमजीत अनमोल ने जिमें, उन्होंने नाल किहो जिहा रिलेशन है तुहाडा, किसी होर भी सिंगर के नाल रिलेशन है अज भी? करमजीत अनमोल जी बहुत वधिया सिंगर, उन्होंने तक मतलब एक खून का रिलेशन नहीं, वैसे फैमिली वाला रिलेशन बहुत तकड़ा है, जिदा साढ़े नो एक सुभाव पक्षों भी बहुत वधिया ने, प्रीतरपाल होनी हुए अपने
उहदे नाल इक ब्रदर वाला रिलेशन दे तौर ते ही रहे आ शुरू तों। चलो सिंगर बाद दी गल आ, पहला असी इक ब्रदर दे तौर ते इक दूजे दा साथ दित्ता आ, ते उस तों बाद अपने एक नूर होणी होए, फिर आए भगवंत मान जी भी सी उत्थे, उहनां दा वैसे ही फैमिली रिलेशन सी चलदा सी सारिआं दा। मुहम्मद सदीक जी सीगे उहनां नाल, साडे मामा जी दा फैमिली रिलेशन 'च ही कम चलदा सी सारा, ते उह इदां ही साडा मतलब परिवार ही हुंदा इक तरहां। बाकी गल इह आ वी आपणे आपणे कम दे हिसाब नाल कोई स्टेटस 'च अग्गे वध जांदा कोई पिछे रहि जांदा, ते मेन इह आ वी आपां कदी स्टेटस ना उच्चा नियम कदी देखिआ नहीं अज तक, इक्को ही रखिआ। जे मैं आपणे हाई लैवल ते रिकॉर्ड स्टेज मेरे कोई स्ट्रगल वाला हुंदा सी मैनूं बराबर ते रखदा सी, पर मेरे नाल इदां ज़्यादातर होया भी जदों मैं उह गाह अगे वध गए ने, ते उहनां नूं ऐ लगन लग गया शायद इस बंदे नूं साडे स्टेटस दा नहीं अकल नहीं हैगी, ते मैनूं फिर इस चीज़ की बहुत लगती है। मैनूं आदत नहीं हैगी मंगन की, ना कुछ करन भी हैल्प लई कुछ कहवां जां कसी कहवां, ते इस करके मैं तां अपने आप ते जदों भी खड़दा किसे नाल दुख 'च खड़दा, मैनूं ऐ भी सुख दी तां मैनूं किसे दे नाल वेन भी आ जा के भी हाँ फोटोआं खिचावां मेरे नाल दा रिलेशन जी, ना मैं अज तक किसे नाल गया ना कीता इदां दा कुछ। मैम नूं भी पुछांगे, मैम सीनियर म्यूजिक रिकॉर्डिस्ट काम करते सके, तुसी अज कल कहिंदे नहीं इन्हां नूं कि दोबारा उही काम शुरू कर दो? नहीं सर, असीं जिथे हैगे आ रब ने बहुत कुछ दिता है, भी कह लो इन्नी मेरी औकात भी नहीं सी जिन्ना रब ने दे दिता, ते मैं बहुत खुश हाँ। ते एक सर दसो, चंडीगढ़ तो जलंधर किवें आना होया? चंडीगढ़ तो जलंधर इदा आना है, मैं पहला असी चंडीगढ़ काम कर रहे थे, तो फिर मैं उत्थे असी नंगल आए, मम्मी बीमार हो गए थे क्योंकि कल्ले रहिंदे सीगे, उन्हें देख रेख लई कोई है नहीं सी, डॉक्टर ने कहता भी उन्हें टाइम थोड़ा ही आ, फिर मैं कहा यार काम कुम तो सारे होंगे जाएंगे, एक जिन्हें पालिया आ उहदे लई अपनी जिंदगी लाउणा जरूरी आ। फिर असी पांच छे महीने उन्हां कोल रहे, मतलब जिन्ना चिर उह जीए उन्हां नाल खुल के जिदा हस खेड के बच्चिआं वांगू, उन्हां नूं इदां जदों गए विदा होए ने उन्हां नूं अफसोस नहीं होगा भी मेरे मुंडा नहीं हैगा सी भी मेरी सेवा करन वाला ठीक, जां भी मेरा हसबैंड नहीं सी कोई नाल, उह जां फिर बेटी है, असीं दोनों ने रल के सेम ही उन्हां हर चीज़ का मतलब दिता भी सुख जो चाहीदा सी परिवार का। फिर वो जदों गए तो उधर मैनू फोन आ गया कुदरती, इधर अपने प्रीतपाल नाल रिलेशन भी मैनू जरूरत है, इतने भी मेरे ब्रदर जो बाहर चले गए हैं, तो इतने आप जो ऑफिस का सारा कुछ मैनेज करना, तू ईमानदार बंदा आ, तो मैं विश्वास है तेरे क्योंकि काम इन्ना ज़्यादा वध गया सी उन्हां दा। तो फिर उस तो बाद मैं चल कोई नहीं मैं आना, तो उन्हां दी डैथ तो बाद इन्हां दे मम्मी दे तो मैं फिर जलंधर शिफ्ट होया इन्हां कोल, इतने आके फिर इदा आना गया। अच्छा, इतने आके कि ऑटो भी चलाया तुसी कहिंदे? हाँ जी, मैं ऑटो चलाया क्योंकि फैमिली दे विच गुजारा फिर उन्ना नहीं सी, अपना सर्कल जदों तुसीं स्ट्रगल कर रहे हो उस चीज़ का तुहाडा किसी फैमिली वाले नूं नहीं पता हुंदा कई चीज़ों का भी ये किदां रहे ने जां सिंगर जां मैं, तो फिर कई चीज़ों का इदां दा हो गया, फर्क पैण लग गया साडा आपस विच, ते मैं कहा भी मैं लड़न तो पहलां अपने आप सैड हो जावां, मैं अपना ऑटो लिया क्योंकि काम की मैं शर्म नहीं की कदे भी जिंदगी, काम कोई भी हो एक पूजन जिन्हें तुहानूं रोटी देनी है वो काम हमेशा पूजन लायक हुंदा, इस करके फिर मैं उस चीज़ को जो ऑटो लिया तो उस चीज़ की कई चीज़ा कई ने कहा भी नहीं चंगा नहीं लगता, मैं नहीं लगता ना सी मैंने रोटी मिलती है मेरे लिए यही पूजन है यही मेरा स्टार है सारा कुछ यही है, ऑटो का कुछ भी कोई टेंशन नहीं, मैं काम करके खाना अपना, तो मैं फिर ऑटो चलाया काफ़ी देर तक अपना। उस तो बाद स्विगी का काम भी किया, वो क्यों छड़ना पे? स्विगी का काम भी इदा किया फिर ऑटो के ना जो इतने आए स्विगी कहते भी डिलीवरी उस काफ़ी मतलब इनकम से हूँ इनकम तो हर कोई बंदा चाहता मेरे बधे, तो मैं फिर उस डिलीवरी के लिए मैं जो गया तो किया काम शुरू, तो हौली हौली उस तो बाद फिर मेरा ना एक्सीडेंट हो गया, मैं डिलीवरी देन जा रहा रात कोई 10:30 बजे का टाइम होना, तो वो आ रहा उधर कोई नशेड़ी जी मोटरसाइकिल के काफ़ी तेज़ उन्होंने रोंग साइड लिया के मारिया, मैं उदो गिर गया मेरे बैग पाया सी आह चीज़ तो बच गई, मैं पग बजन कर सिर बच गया थोड़ा, मोटे का नहीं मैं पता लग गया जो एकदम बजा तो उस टाइम तो ठीक से मोटरसाइकिल सारा टुट टट गया, वो एक रेस्टोरेंट वाले से कहते भाजी ये तो क्योंकि साडा सुभाव मेरा हर किसी ने परिवारिक बने वो बेचारे फटाफट कहते भाजी अपने वो जो आते होंगे ने मैं फटाफट चक्या घर का उन्हें एड्रैस लिया तो मैं छड़न आया, तो इस तरह फिर मेरा स्विगी का काम भी फिर बच्ची छुट गया साल तो जो फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया से। पहला तो जो थोड़ी पुरानिया फोटो देखी उस बिल्कुल बॉयकट सी उस तो बाद पगड़ी बननी शुरू की, ये किवें मन च विचार है? ये इदा है जी देखो मैं ना असी जिथे रह रहे हैं तो उत्थे सानू कुदरती पर कहिंदे परमात्मा नाल खड़ता जे तुहाडे नाल नहीं खड़ता, मैं जदों चेंज किया ना घर तो मैनूं एक ऐसे बजुर्ग मिले जो कल्ले रहिंदे सीगे, उन्हां दी 70-80 साल की उम्र है, तो दीदार सिंह जी बराए उन्हां दा नाम है, तो उन्हां कोल मेरे गुड़िया हुई सी, तो मैं ना उत्थे रूम लभ रहा सी, मैनूं किसे ने दस्सिया उत्थे आ गए ने कल्ले रहिंदे ने, उन्हां कोल गया वह उन्होंने मैंने रूम दिखाया कहते इतने कला मैं रहना देख लो जो तुम्हें पसंद आता तो लायक तो है नहीं, मैं यार कल रेंदे लायक की गल नहीं इन्होंने हैल्प हो जूगी सेवा हो जूगी,
मैं उन्होंने करके फिर उत्थे वाइफ ने दस्या क्योंकि यदा सुभाव मेरे तो भी ज़्यादातर साल है ये कहें नहीं इनू भी अपने माता पिता चेते आ जाते हैं कहते चल इन बजुर्गों की सेवा भी करेंगे आप इतने रहेंगे भी तो चलो किराया भी देवेंगे इन्हों की इनकम होजूगी उन्होंने वैसे उन इनकम की तो कोई जरूरत नहीं फिर भी अगला सानू आस ही अपने लिए सोचा तो वह कहें भी चलो आज असं शिफ्ट किया तो उन्होंने उम्मीद नहीं भी इतने आ जाने क्योंकि रूम हजे छोटा से उस टाइम इदा का तो उन्होंने भी कितने आने इतने क्योंकि फैमिली वाले से तीन चार जने है सके मैं असं जगह बड़े खुश होए फिर असं जो रोटी बनाते देखे मैं क्या जी तुम अज तो रोटी नहीं बनानी बच्चे असी हाँ ताे तो कल से ये कहती मैं बनाया करूँ मैं बेटी हूँ उन्हें कहा अच्छा बड़े खुश होए कहते किराया नहीं देना अज तो बाद फिर मैन मैं उन्होंने नाल रहा काफ़ी बीमार दवाइया दवाइया या कुछ भी करना जो उन्हें सेवा करनी कितने जाना यश मेरे नाल चल यश उत्थे जा तो फिर मैं वो एक फैमिली वगू साढ़े नाना जी से नाना जी अर्गे लगती शकल मैं सेम इस करके उन्होंने अटैचमेंट होर ज़्यादा हो गई सी तो उन्होंने ये कह दिता कि तू मेरी बेटी है भी अज तो मेरी एक नहीं मेरिया दो बेटिया ने उन्हों की भी एक बेटी है भी अज जिदन मैं मरिया तुम दो ने मैं अग्नि भेंट करना आ मेरिया दो बेटिया हो गई अज सू उ नौ साल हो गए बच्चे उन्होंने अज हूँ तक नाना जी कह के बुलाते हैं और बड़े खुश होंगे ने बड़ा प्यार मिलता मैंने भी लगता कि मैं जिदा मेरे पेके है नहीं तो हूँ मैं लगता कि हाँ मेरे पापा है उन्होंने जाना सी पटना साहब जाने लिए 350 साल असं मनाना सी तो मैं कहें यश यार मैं जाना मैं मेरे कला मैं कि जाऊँगा मैं कहा तुम कला कि समझते हो मैं कहते मैं टिकट करा ली आ हूँ उत्थे अमृतसर गया सी उत्थे हो गई भी तू मैं कहा मैं नहीं टिकट हो थले पै के चल जाऊंगी गल सीट दे टेंशन ना लो तुहानू कल्ले नहीं जाण दिंदा कहिंदे अच्छा बड़े खुश होए कहिंदे तू काम कर मैं काम कर तो हुंदे रहने मैं कहा जिंदगी विच काम कार कोई नहीं रुकदे दो तीन चार दिनां च कोई फर्क नहीं पैण लगा जे आपां किसे खुशी दी खुशी लई खड़ गए तो खड़ गए वह कहिंदे अच्छा चल ठीक है मैं उन्हां नाल पटना साहब गया तो मैनूं उत्थे जो जाके उन्हां नूं सिक्खी सरूप बारे सारा कुछ दसना शुरू किया फिर मैनूं मैं उत्थे परना बन्न के रखना क्योंकि उत्थे आपां नंगे सिर तां रह नहीं सकदे फिर उस तो बाद मैंने ऐ लगन लग गया नहीं यार अपन भी बन के रखनी चाहिए पग वो खुश होए मैं इन्होंने खुशी मिलती एक तो पग देख के मेरे चलो मैं क्या खुशी मिलती मैंने होर खुशी मिलन लग गई एक ये इज्जत तो काफ़ी मिलती है क्योंकि हूँ जो मैं इदा इतने काम करना अगले पता नहीं लगता हूँ इतने आके सरदार जी भाजी कह के गल करते हैं देखो महाराज की इन्नी कृपा आ भी ये करके सानू इन्ना इज्जत मिल रही है फिर मैं क्या भी बननी मैं यूट्यूब तो हौली हौली जिदा भी सीखी थोड़ी थोड़ी ला के हजे मतलब कंप्लीट तो नहीं होया पर मैं बनन लग गया चलो मैम तुहानू इत्थे NRIs भी मिलने आते हैं हाँ जी आते ने की कहना की होना क्योंकि लास्ट वीक आप आए थे को कुछ NRI मिलन आए थे ऑस्ट्रेलिया तो कहते मैं काफ़ी चिर का जिदा लभ रहे हैं तुम पत्ना सी एक राइटर सी वह मेरे बारे एक स्टोरी लिखना चाहते सी जिदा टाइटल सी ओ कुड़ी ते मैनू पूछण आए थे कि तुम अपने बारे कुछ दसो मैं कि मैं ते एक स्टोरी लिखना चाहता हाँ बस वो इस बेस से मैं मिलन आए थे उस दिन मैम कोई दर्शकों को मैसेज देना चाहो तो सर मैसेज यही है कि पहला तो लेडीज़ नू ये चाहिए कि अपना कभी मन ना मारन तो जो तुम करना चाहते हो सानू भी हक है जीण का असी भी खुल के जी सकते असी आजाद देश के वासी हाँ तो खुल के जियो अपनी जिंदगी इंजॉय करो जो तुम करना चाहते हो या जो बनना चाहते हो वो करो लोगों की आदत होंगी लत खिंचने की ये मेरे तो अगे ना जाए उन्हां वल देखना बिल्कुल ही बंद कर दो तो जिहड़े इस तरह पिछे खिंचते हैं उन्होंने मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि तुम अपनी धियां भैणा सब नू समझो क्योंकि जे कोई बंदा अपनी धी भैण समझ के सानू सपोर्ट करेगा तो उहदी धी भैण नू भी कोई इज्जत दूगा जे कोई साडी नहीं करेगा तो फिर नैचुरली अगे किते ना किते बंदे दे कोल आउंदा ही है तो सब नू यही हाथ जोड़ के बेनती है कि सानू भी जीण दा हक है तो सानू भी अगे वधण दा भी हक है तो सानू अगे वधण दो तुसीं देखिया एक रेहड़ी भी चलाई ऑटो भी चलाया स्विगी भी चलाई इस तो अलावा होर भी बहुत सारे छोटे काम भी किए बहुत सारे सिंगर के नाल भी काम किया पर हिम्मत नहीं हारी अज भी जड़ा है हिम्मत करके ढाबा चला रहे हैं किसी ने सही ही कहा है बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दर का उगण वाले उग पेंदे ने पाड़ के सीना पत्थर का कैमरा परसन विजय के नाल जगदीप सिंह पंजाबी बुलेटिन जलंधर।